गुड मॉर्निंग बॉयज, मैं संजीव कुमार झा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आइए चलते हैं एवरेज के प्रश्न की ओर। आज का प्रश्न है, चार धनात्मक पूर्णांकों का औसत 72.5 है, इनमें सबसे बड़ा पूर्णांक 117 तथा सबसे छोटा पूर्णांक 15 है, शेष दो पूर्णांकों का अंतर 12 है, तो शेष दो पूर्णांक में बड़ा पूर्णांक ज्ञात करें, शेष दो पूर्णांक में बड़ा पूर्णांक ज्ञात करें। आइए चलते हैं, ये चार है तो ये पहली संख्या है, ये दूसरी, ये तीसरी और ये आपकी चौथी संख्या। चारों संख्याओं का औसत कितना दिया हुआ 72.5 बराबर 72.5, योग क्या हो जाएगा तो दोनों चार कर देंगे। इनमें सबसे बड़ा पूर्णांक कितना है 170, ये हो गया आपका 170 और सबसे छोटा पूर्णांक कितना है 15, ये हो गया 15। इस दोनों में कॉमन, ये इस दोनों में डिफरेंस जो है कितना का है 12 का है, इस दोनों में डिफरेंस कितना का है 12 का। यदि इसे हम मान लें x, इसे एक को मान लेते हैं हम x, जैसे इसे x मानेंगे तो ये हो जाएगा कितना x प्लस 12। इस चारों संख्याओं का योग, चारों संख्याओं का योग 72.5 गुना 4 होगा, तो 72.5 गुना 4 करेंगे 70 चौका 280, 28 चौका 10 290 हो जाएगा। ये योग कितना हो गया 290। अब देखिए इसको इसको आप ऐड करेंगे 117 और 12 मिलकर के हो जाएगा 129 और 129 में जैसे ही आप 15 को ऐड करेंगे, 129 और 15 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 124 और प्लस x और x मिलकर के हो जाएगा मेरा 2x। आप कह सकते हो 2x बराबर 290 माइनस 144, 2x बराबर घट जाएगा तो 290 में से 144 को जैसे घटाएंगे 146 आएगा और 2 से ये कट जाएगा 73 टाइम में x हो गया 73। लेकिन आपसे क्या पूछा गया, शेष दो में बड़ा पूर्णांक, बड़ा पूर्णांक तो ये होगा x प्लस 12, आपको हो गया 73 और जोड़ 12 बराबर 85 होगा, कई आंसर डी नंबर आंसर आपको हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चले। अगला क्वेश्चन है आपका, तीन संख्याओं का औसत 135 है, उनमें सबसे बड़ी संख्या 195 है तथा शेष दो संख्याओं का अंतर 20 है, तदनुसार सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें। ठीक है, आइए तीन संख्याओं का औसत कितना है 135, आपको योग क्या होगा 135 गुना 3, 135 गुना 3। इसमें सबसे बड़ा पूर्णांक जो है कितना है, बड़ी संख्या कितनी है 195, 195। शेष दो में अंतर कितना का है 20 का। अगर हम सबसे छोटी संख्या को x मान ले तो बड़ी संख्या x प्लस 20 होगा ना, x प्लस 20 हो जाएगा। इस 95 को और 20 को आप ऐड कर देंगे तो 95 जैसे ही 20 को ऐड करेंगे आप तो हो जाएगा 215 जोड़ 2x बराबर 135, 13 39 390, 130 390 और 305 15 अर्थात 405। 2x बराबर 405 माइनस 215, 405 माइनस 215, ये रिजल्ट कितना देगा आपका, रिजल्ट देगा 2x बराबर, 2x बराबर अगर मैं कहूं यह रिजल्ट कितना देगा 85 में, आप 85 में यदि हम 15 पर ऐड करते हैं तो 300 होता है, 5 20 और 85 और 5 90 अर्थात 190, रिजल्ट कितना आ जाएगा 190 190। अब दूसरे कर दीजिए इसे, दो नंबर 18 10 95 टाइम में कट गया, छोटी संख्या पूछा गया था, छोटी संख्या क्या हो जाएगा आपका 95, छोटी संख्या क्या हो जाएगा 95 हो जाएगा छोटी संख्या। पहले क्वेश्चन की ओर चले, आठ क्रमिक संख्याओं का औसत 6.5 है, उनमें सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का औसत याद करें तो 6.5 ही होगा, 6.5 ही हो जाएगा, एवरेज जो होगा वह यही होगा 6.5। आठ क्रमिक संख्याओं का औसत, आठ लगातार संख्या, पहली संख्या, दूसरी,
तीसरी चौथी पांचवी छठी सातवीं और यह आपका आठवीं। आठों संख्या में गैप जो होगा क्रमिक है, लगातार है, तो एक एक का गैप होगा और इसका एवरेज जो होगा, एवरेज कहाँ पर, बीच में, तो बीच कहाँ पकड़ाया होगा, देखें बीच इस जगह पर पकड़ाएगा, ये कितना लिया हुआ 6.5। इस दोनों का एवरेज भी 6.5 होगा, इस दोनों का एवरेज भी 6.5 होगा, इस दोनों का एवरेज भी 6.5 होगा और इस दोनों का एवरेज भी 6.5 ही होगा। इसीलिए आज क्रमिक संख्याओं का औसत जितना दिया हुआ है तो सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का औसत जब पूछा जाएगा तो वह तब आप कहेंगे जितना ही एवरेज है, 6.5 एवरेज है, तो 6.5 ही एवरेज होगा। नौ प्रक्षण का माध्य 16 है, एक अन्य प्रक्षण को सम्मिलित करने पर नया माध्य 17 हो जाता है, तो दसवां प्रक्षण ज्ञात करें। नौ प्रक्षण का माध्य कितना है, 16, 9, 16 है, एक प्रक्षण को और शामिल कर दिया आप तो कितना हो जाएगा ये 10 प्रक्षण और एवरेज कितना हो जाएगा 17। क्रॉस काट दीजिए इसे, क्या करेंगे क्रॉस कर लेंगे, ये 16 से कितना हुआ 17, एक बढ़ा प्लस 1, ये 9 से 10 हुआ एक बढ़ा प्लस 1, इस एक को 9 से मल्टीपल कर दीजिए, इस एक को 17 से मल्टीपल कर दीजिए, 9 गुना 1 बराबर 9 जोड़ 17 गुना 1 बराबर 17, 17 और 9 मिलकर के क्या हो जाएगा 26, 17 और 9 मिलकर क्या हो जाएगा 26 हो जाएगा। या वैसे देखें आप, 9 प्रक्षण का माध्य 16 है, एक अन्य प्रक्षण को शामिल करने के बाद ये एवरेज कितना हो जाता है, माध्य कितना हो जाता है 17, कितना से बढ़ा ये एक से बढ़ा, एक से बढ़ा ये नौ संख्या एक एक से बढ़ गया होगा, तो 9 गुना 1 बराबर 9 अर्थात वह हो जाएगा कितना, एवरेज कितना था 17, इसमें 9 जोड़ दीजिए 17 ना 26, नई संख्या दसवां प्रक्षण जो होगा, दसवीं संख्या जो हो जाएगा वह 26 हो जाएगा। चलिए आगे चले अगले क्वेश्चन की ओर। कक्षा 10 के अनुभाग के 32 लड़कों के अंकों का औसत 60 है, जबकि कक्षा 10 के अनुभाग बी के 40 लड़कों के अंकों का औसत 33 है, दोनों अनुभागों को मिलाने पर अंकों का औसत ज्ञात करें। 32 लड़का है, औसत कितना है 60, आपका जवाब होगा योग क्या हो जाएगा, आपको 32 गुना 60, ठीक है। कक्षा 10 के अनुभाग बी में 40 लड़कों का अंकों का औसत 33 है, योग क्या हो जाएगा 40 गुना हुआ 33, इसको जोड़ देते हैं तो टोटल योग निकल गया, कितने लड़कों का, तो 32 लड़का ऊपर में 40 लड़का यहां दिया हुआ, 32 और 40 मिलकर के कितना 72, टोटल 72। अब इसे आप गुना करेंगे, गुना करने से पहले यदि मैं यहां से 8 कोण खींच लूं तो क्या हो जाएगा, देखिए तो 8 जैसे यहां कोण खींचेंगे आप, 4 गुना 60 जो 5 गुना 33 बट 72, 8 9 72, 24 240 जोड़ 165 बट्टे 9 जोड़ देंगे आप इसे 405 405 बट्टे 9, 9 से कर दीजिए तो नचौका 36, 440 405 45 9 5 45 अर्थात एवरेज कितना निकल गया 45, एवरेज कितना निकला 45 एवरेज आप कर दीजिए। चलिए इसे और दूसरे तरीके से हम देखें, 32 लड़कों का एवरेज कितना है, 32 लड़कों का एवरेज कितना है 60, कक्षा 10 बी के कितना 40 लड़का एवरेज कितना 33, एवरेज कितना 33, ठीक है। ये एवरेज और ये एवरेज कितना है 60, ये एवरेज कितना है 33, टोटल एवरेज जूम कर लो तुम 33, 33 से ये कितना ज्यादा है भाई, 33 से कितना ज्यादा है 27 ज्यादा है, 32 संख्या में 27 ज्यादा है तो 27 गुना 32 टोटल कितना ज्यादा हुआ, इसे आपको बांटना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है कितने लड़कों पर, 32 लड़का यहां है 40 लड़का यहां है, टोटल कितना 72 लड़का पर बांटना है, बराबर बराबर हिस्सों में बांट दीजिए, बटे हो 72, 9 किया 27, 9 8 8 चौका 4 किया 12 से एवरेज बढ़ जाएगा 33 जोर 12 आपका आंसर हो जाएगा कितना 45, 33 जोर 12 बराबर आंसर क्या हो जाएगा 45, 45। अगले क्वेश्चन की ओर चले हम।
किसी कक्षा में 24 छात्रों की औसत आयु 10 वर्ष है, यदि अध्यापक की आयु को शामिल कर ली जाए तो औसत में एक की वृद्धि हो जाती है। आइए, 24 छात्र है, औसत 10 वर्ष है, 24 छात्र है, एवरेज कितना है 10, यदि अध्यापक को शामिल करेंगे तो संख्या क्या हो जाएगा 25 और एवरेज क्या हो जाएगा एक की वृद्धि हो जाएगी 11। इसको यहां से क्रॉस कर दीजिए, पहले 10 था अब कितना हुआ 11 प्लस 1, 24 था तो 25 प्लस 1, इसको इससे गुना कर दीजिए, इसको इससे गुना कर दीजिए, 24 गुना 1 बराबर 24, 11 गुना 1 बराबर 11, 24 और 11 मिलकर के कितना 35, ये आपका सी नंबर आंसर हो जाएगा, सी नंबर आंसर हो जाएगा। किसी कक्षा के 24 छात्रों के औसत आयु 10 वर्ष है, 24 का कितना है 10 वर्ष है, एक अध्यापक को शामिल कर दिया कितना हो गया 25, एक अध्यापक को शामिल किया हुआ कितना 25, और सभी का एवरेज एक वर्ष की वृद्धि होगी, 25वां आदमी का औसत एक एक वर्ष बढ़ा होगा, टोटल कितना बढ़ गया होगा 25, क्यों बढ़ा क्योंकि अध्यापक महोदय आ गए थे, एवरेज कितना था 10, 25 जोड़ 10 बराबर 35, इस तरीका से भी आप इसे हल कर सकते हैं, ये 35 सी नंबर आंसर हो गया आपका। चलिए फिर चले हम आगे, किसी कक्षा में 50 विद्यार्थियों का औसत भार 45 किलोग्राम है, एक विद्यार्थी के कक्षा छोड़ देने पर औसत भार 100 ग्राम कम हो जाता है, कक्षा छोड़ने वाले विद्यार्थी का भार कितना है, 50 छात्र का औसत भार कितना है, 50 छात्र का औसत भार कितना है, 50 छात्र है, औसत भार 45 है, एक विद्यार्थी कक्षा छोड़कर चला गया तो कितना हो गया होगा 49, अब औसत उसका कितना हो गया 100 ग्राम कम हो गया, 100 ग्राम कम हो गया इसका मतलब 44 केजी 900 ग्राम हो गया होगा, अब इसे आप क्रॉस कर दीजिए कितना से, आपको 0.1 से, कितना से 1 से, अब इसको यदि इससे मल्टीपल देते हो, इसको इससे मल्टीपल देते हो तो क्या हो जाएगा बाबू, अगर मैं कहूं 50 गुना 0.1, 50 गुना 0.1, 50 गुना 0.1 प्लस 1 गुना 44.9, तो यहां से ये पॉइंट कटा बाबू, जीरो कटा, ये कट गया 5 हो गया, 5 जोड़ 44.9 बराबर 49.9, यानी सी नंबर आपका आंसर हो जाएगा, सी नंबर आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलें। ₹30 प्रति किलोग्राम मूल्य वाले 12 किलोग्राम चावल में ₹40 प्रति किलोग्राम मूल्य वाले 8 केजी चावल को मिला दिया गया, मिश्रित चावल का औसत मूल्य ज्ञात करें। 12 केजी चावल कितना रुपए किलो, ₹30 किलो, 12 गुना 30 जो 8 केजी चावल कैसे ₹40 किलो, 8 गुना 40, इस 12 को 8 को ऐड कर देंगे, 12 केजी वहां था, 8 केजी यहां, 12 20 केजी, यहां पर गुना करेंगे तो आ जाएगा आपका 360, यहां गुना करेंगे 8 चौका 32 320, बटा हुआ आपका 20, इसको जैसे ही आप ऐड करेंगे तो आ जाएगा 680 बटे 20, ये जीरो और ये जीरो कैंसिल, 34 68 आपका आंसर हो जाएगा ₹34, औसत मूल्य क्या हो जाएगा ₹34 किलो, ₹34 किलो हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चले, दो संख्या ए बी का औसत 20 है, बी और सी का औसत 19 है, ए और सी का औसत 21 है, तो ए का मान ज्ञात करें। ए जोड़ बी, इसका औसत 20 है, योग 20 दूनी 20, योग कितना 20 दूनी 40, बी जोड़ सी औसत कितना है 19, 19 दूनी
38 और ए और सी औसत 21 योग 21 दूनी 42। अब इसको ऐड करेंगे आप, ए ए टू ए, बी बी टू बी, सी सी टू सी, कहेंगे 2 कॉमन, ए प्लस बी प्लस सी बराबर, इसको जब ऐड करेंगे 120 होगा, दूसरे से काट देंगे 60 हो जाएगा। आप कह सकते हो ए प्लस बी प्लस सी बराबर 60। आपसे पूछा गया है ए का मान, यदि हम ए प्लस बी प्लस सी में से बी प्लस सी को घटा दें ए का मान निकलेगा कि नहीं, तो ए बराबर आपका जवाब होगा 60 माइनस 38 बराबर 22। 60 माइनस 38 बराबर 22। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए फिर से हम, ए और बी का औसत कितना है 20, ए और बी का औसत कितना है 20, ए और बी का औसत कितना 20, बी और सी का औसत कितना 19, ए और सी का औसत कितना 21। आपसे पूछा किसका मान लिया, ए का, तो ए यहां पर भी है, ए यहां पर भी, इस दोनों को जोड़ लो आप, 20 को 21 को जोड़ लो, 20 से 21 कितना हो जाएगा 41, इसमें से आप ये, इसमें ए नहीं है, बी और सी ही तो है, 19 घटा दो, 41 में से 19 घट जाएगा, रिजल्ट क्या आ जाएगा आपका 22, 41 में से 19 घटेगा तो रिजल्ट क्या आएगा 22। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चले, क्रिकेट के 11 खिलाड़ी की औसत आयु 20 वर्ष है, यदि उनके शिक्षक को भी शामिल कर लिया जाए तो औसत आयु में 10% की वृद्धि हो जाती है शिक्षक की आयु। ठीक है, कितना प्लेयर 11, एवरेज 20, शिक्षक को शामिल करेंगे कितना हो जाएगा 12 और एवरेज 10% बढ़ेगा, 20 का 10% 2 होता है, 20 का 10/100 कितना हो जाएगा 2, ये 2 से एवरेज बढ़ेगा तो एवरेज कितना हो जाएगा बाबू 22, इसको यहां से काटो इसको यहां से काटो, कितना 1 प्लस में, ये कितना 2 प्लस में, 11 दूनी 22, आपको 11 गुना 2 जोड़ 1 गुना 22 हो जाएगा 11 दूनी 22 और जोड़ 22 बराबर हो जाएगा कितना 44, 44 वर्ष आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहां पर कितना है एवरेज 20 वर्ष, एक शिक्षक आज कितना बढ़ गया 10%, 20 का 10% कितना 2, 2 से एवरेज बढ़ गया ना, 2 से एवरेज 11 प्लेयर का बढ़ा, शिक्षक महोदय का भी आने से बढ़ गया ना 11 दूनी 22, अगर 22 था ही आपका या 11 गुना 12 बढ़ गया जोड़ 20, अब कर देंगे 12 दूनी 24, अब 20 44 आपका आंसर हो जाएगा, 24 जोड़ 20 बराबर 44 आपका ये आंसर हो जाएगा, बी नंबर आंसर होगा। चलिए आगे चले, किसी कक्षा के 20 लड़कों की औसत आयु 12 वर्ष है, यदि 5 नए लड़के जिनकी औसत आयु 7 वर्ष है कक्षा में दाखिल ले ले तो कक्षा के लड़कों की औसत आयु कितनी होगी, 20 लड़का का औसत कितना है 12, योग क्या होगा 20 गुना 12, योग क्या होगा 20 गुना 12, 5 नया लड़का को शामिल किया ना जिसका एवरेज कितना 7, तो 5 गुना 7 बटे टोटल लड़का कितना हो गया आपके पास 20, लड़का पहले था 5 आ गया 20 5 25, इसको हल करेंगे आप, दूसरा 40 इसे हल करेंगे 35 बटे 25, जब इसे हल करेंगे आप रिजल्ट आएगा 275 बटे 25, इसे काट देंगे 11 बार में कट जाएगा 11 वर्ष, ये 11 वर्ष एवरेज होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चले, पचास संख्याओं का औसत 38 है, यदि इनमें से दो संख्या 45 और 55 को छोड़ दे तो शेष संख्याओं का औसत ज्ञात करें। 50 संख्याओं का औसत कितना है 35, 38, 50 संख्या का औसत 38 है, योग क्या हो जाएगा बाबू 50 गुना 38, इसमें से दो संख्याओं को आप छोड़ रहे हो ना 45 को और 55 को, छोड़ देते हैं हटा देते हैं माइनस कर देते हैं 45 जोड़ 55 बटे 50 संख्या था दो आपने छोड़ दिया बच गया होगा कितना 48, 50 को जैसे 38 से गुना करेंगे आप 1900 होगा,
1955 और 45 जोड़ करके 1948। 1900 में से 100 घट जाएगा बाबू, रिजल्ट 1800 बटे 48। ठीक है, यदि यह कटे 6 से काटे तो क्या होगा, 36 का 18 398 में कटेगा, 6 से 6 48। फिर से 4 से काट दो, 4 2 8, 4 से काट दो 75, रिजल्ट कितना 75/2 बराबर 37.5। सी नंबर आपका ये आंसर है, ये आंसर आपका सी नंबर है। चलिए क्वेश्चन की ओर फिर से चलें। ये 50 संख्या का औसत कितना है, 38। इनमें से दो संख्या को आपने छोड़ दिया, कितना छोड़ा, 45 को और 55 को। ये जो 38 से ये कितना ज्यादा लेके गया है, आप कहोगे 7 ज्यादा लेके गया है। ये कितना ज्यादा लेके गया है 38 से, आप कहोगे 17 ज्यादा लेके गया है। तो 17 और 7 मिलकर के 24 तो ज्यादा आपका निकल गया ना, 24 निकल गया ना लेकर के। अब कितना संख्या बचा है, दो संख्या तो निकल गया, 50 में से बच गया होगा कितना 48। तो 24/48 कर दीजिए, 24/48 रिजल्ट कितना 1/2। इसको 1/2 को आप लिख सकते हैं 0.5। 0.5 से एवरेज घटेगा तो 38 घटाओ 0.5 बराबर 37.5। ये सी नंबर आपका आंसर हो जाएगा, सी नंबर आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चले। 6 सदस्यों के एक परिवार के औसत आयु 25 वर्ष है। परिवार के 45 वर्ष की आयु के एक सदस्य के निधन होने के बाद परिवार की औसत आयु ज्ञात करें। कितना सदस्य है बाबू, 6, एवरेज कितना है 25, योग क्या होगा 6 × 25। अब एक आदमी निधन हो गया, कितने वर्ष का, 45 वर्ष का, माइनस 45 कर दो। आदमी 6 था, एक आदमी का निधन हुआ, बच तो गया होगा 5 ही आदमी ना, 6 आदमी में से एक आदमी का निधन हुआ तो बचेगा कितना 5। एवरेज निकालने के लिए संख्या से जब भागा देते हैं वो कितना हो जाएगा 5। इस दोनों को मल्टीपल करेंगे 150 होगा, 150 माइनस 45 बटे हुआ 5। 150 में से 45 को जैसे आप घटाएंगे तो रिजल्ट 105 आएगा, 105/5, 105/5, 5 से इसे काट देंगे 21 टाइम में कट जाएगा, 21 वर्ष हो जाएगा। क्लियर, आइए फिर से चलिए क्वेश्चन की ओर। 6 सदस्य वाले परिवार की औसत आयु 25 वर्ष है। परिवार के 45 वर्ष की आयु का एक सदस्य का निधन हुआ, यदि जितना एवरेज है, उतने वर्ष का यदि कोई आदमी का निधन होता या घर से जाता, एवरेज पर कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ कितना वर्ष का निधन हुआ है 45। कितना ज्यादा लेके जा रहा है 20, कितना ज्यादा लेके जा रहा है 20 ज्यादा लेके जा रहा है। अब जो सदस्य बचा उसी पर 20 घटेगा, टोटल सदस्य 6 था, एक निधन हो गया तो बचा कितना 5। 5 से डिवाइड कर दो कितना हो जाएगा 4। 4 से एवरेज घट जाएगा, पहले एवरेज 25 था, अब 4 घटा दो रिजल्ट बता दो 21। बी नंबर आंसर। चलिए फिर आगे क्वेश्चन की ओर चले। 8 पुरुषों में से 65 किलोग्राम भार वाला पुरुष के स्थान पर एक नया पुरुष आ जाने से औसत भार में 1.5 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है, नए व्यक्ति का भार कितना है। चलिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए ये मान लेते हैं ये समूह है, कितने समूह, कितने व्यक्ति का, 8 व्यक्ति का, कितने व्यक्ति का समूह है, 8 व्यक्ति का, ठीक है, 8 पुरुष का, 8 पुरुषों का समूह है। इसमें से एक आदमी गया, कितना का गया 65 केजी का गया, उसके स्थान पर एक आदमी आया, आने से एवरेज क्या हुआ 1.5 की वृद्धि हो गई, प्लस 1.5 हो गया ना। अब देखो ये आठों पर ना 1.5 बढ़ा होगा, आपको हाँ निश्चित रूप से बढ़ा होगा, 8 × 1.5 कर दो, 8 × 12, 12 केजी बढ़ गया, तो जाने वाले का कितना था 65, तो आने वाला जो होगा 65 से 12 केजी ज्यादा अर्थात 77 केजी। डी नंबर आंसर हो जाएगा, डी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए डायरेक्ट अटैक कीजिए आप, 8 पुरुष है, 1.5 केजी बढ़ गया, 8 × 12, 12 केजी का वृद्धि है, तो 65 का गया, 65 में 12 को ऐड कर दीजिए, रिजल्ट आ जाएगा आपका 77, जो कि डी नंबर आपका आंसर है। चलिए आगे चले। एक कक्षा में 50 छात्र है, एक 40 किलोग्राम भार वाला एक विद्यालय
छोड़कर चला जाता है तथा उसके स्थान पर एक नया विद्यार्थी प्रवेश पा लेता, जिससे औसत भार 100 ग्राम घट जाता है, नए विद्यार्थी का भार ज्ञात करें। एक कक्षा में कितना छात्र? 50। 50 छात्र। एक विद्यार्थी गया, निश्चित रूप से कितना केजी वाला? 40 केजी वाला। कितना केजी वाला? 40 केजी वाला। एक विद्यार्थी फिर आया, आने से क्या हो गया? औसत भार 100 ग्राम घट गया, 100 ग्राम माइनस हो गया। तो 50 गुना 100 ग्राम घटा होगा बाबू, तो कितना घटेगा? 50 गुना 100 = 5 केजी। 5 केजी क्या हो गया? औसत कम हो गया। इसका मतलब आने वाले जो था, आने वाला जो है, जाने वाले से 5 केजी कम का आया होगा। जाने वाले का कितना है? 45। आने वाला 5 केजी, जाने वाले का कितना है? 40। आने वाला 5 केजी कम होगा, 40 - 5 = 35 केजी, बराबर 35 केजी। ये बी नंबर आपका आंसर हो जाएगा, 35 केजी। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर चलें। पच्चीस लड़कों की औसत ऊंचाई 1.4 मीटर है। इस ग्रुप में 5 लड़कों के कैंप छोड़ जाने के बाद शेष लड़कों की औसत ऊंचाई में 0.15 मीटर की वृद्धि हो जाती है, तो जाने वाले 5 लड़कों का औसत ऊंचाई ज्ञात करें। 25 लड़का है, औसत कितना है? 1.4। आप कहोगे योग क्या होगा? तो कहोगे 25 गुना 1.4। अब 5 लड़का चला गया ना, तो बचा होगा कितना? 20 लड़का। एवरेज कितना हो गया? 0.15 मीटर से बढ़ गया ना। चलिए 20 लड़का का जो एवरेज हुआ है वह 0.15 मीटर से बढ़ेगा। आपका जवाब होगा 1.55 मीटर, माइनस कर दे। 25 लड़का के योग में से यदि हम 20 लड़का के योग को घटा दे तो 5 लड़का का योग बचेगा। आइए गुना करते हैं, 25 गुना 1.4 = 35। इसको गुना करते हैं, 20 गुना 1.55 = 31। 35 में से 31 घट जाएगा, कितना बच जाएगा? 4 मीटर। कितना बच जाएगा? 4 मीटर। ये 4 मीटर जो योग हुआ वो 5 जो लड़का गया है वो 5 लड़का का योग ना। आपको एवरेज 4/5 = 0.8 मीटर, 0.8 मीटर। ये ए नंबर आपका आंसर हो जाएगा, ए नंबर आंसर आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो, दिल को छू गया हो, तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।